तो कैसे हो मेरे यारों, मेरे प्यारों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैगजीन पे। तो आज हम खेलने जा रहे हैं ग्रैनी वर्जन 1.8.1 इन ग्रैनी 4 रेबेलियन मोड। सो जल्दी से शुरू करते हैं गेम को, डिफिकल्टी को रखते हैं हार्ड एंड क्वालिटी को हाई पे सेट करके शुरू करते हैं अपने गेम को। एंड गाइस, तब तक यार तुम लोगों ने कल का मेरा वीडियो देखा कि नहीं वो मेरे को बताना ज़रा, एंड अगर नहीं दिखा है तो जाके देखना, क्रेजी वाइफ कल मैंने अपलोड किया था। तो अभी वेट कर रहे अपने डे वन के स्टार्ट होने के, एंड अपना डे वन इसी प्रकार स्टार्ट हो गया। एंड अभी तुम लोग देखना ग्रैनी के घर का एटमॉस्फियर ग्रैनी 4 के हाउस से सिमिलर हो चुका है। एंड देखो कितना मस्त लग रहा है ये एटमॉस्फियर। अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अच्छा कर मतलब सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइक कर देना वीडियो को, एंड चैनल पर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो अभी आवाज़ कर रही है तो ग्रैनी आएगी यहाँ पर। एंड वैसे गाइस, तुम लोग को ग्रैनी पसंद है या नहीं यार मेरे को बताओ, एंड मैं ग्रैनी 4 खेलूँ या नहीं वो भी मेरे को बताओ। तो वैसे हाँ गाइस, आज हम लोग करने जा रहे हैं सीवर स्किप। तो अपने को एक पार्ट ऑफ शॉटगन मिल गया है, ये देखो ये मेरे पीछे पीछे आ रही है गाइस। ऐसा नहीं लग रहा कि ग्रैनी बहुत स्लो हो रही है आजकल हार्ड मोड में भी, या हम लोग फास्ट खेल रहे हैं या ग्रैनी स्लो हो रही है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। तो तुम लोग ही बताना मेरे को जो भी है कमेंट करके। वैसे यार कमेंट करते जाओ यार, मेरे को कमेंट किया तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा लगेगा, एंड मेरे को एनर्जी भी आएगी नए नए वीडियोज़ बनाने में। तो वैसे ये ग्रैनी 4 मतलब ग्रैनी वर्जन 1.8.1 ही है, बट ग्रैनी 4 एटमॉस्फेयर में, ग्रैनी 4 रेबेलियन मोड। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसमें भी। एंड तुम लोग जैसे कि देख सकते हो कि मतलब ग्रैनी का घर जो है काफ़ी चेंज हो गया है। तो अभी अपने को पार्ट ऑफ शॉटगन भी मिल गया, यहाँ से थोड़ा सा शोर करके इसको ड्रॉप करके हम लोग चलेंगे इस बार ना, क्योंकि ग्रैनी जो है सिंपली वहाँ पर चली जाएगी। ये देखो एक पार्ट ऑफ शॉटगन मैंने यहीं पर ड्रॉप कर दिया था, वहाँ पर गैसोलीन भी है, बट अभी अपने को वो सब चीज़ें मतलब काम की नहीं है क्योंकि आज हम लोग करने जा रहे हैं सीवर स्किप। तो यार वैसे एंजेलिन से भी सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं जो आगे तुम लोग गेम में देखोगे ही। वैसे यार हम लोग हमेशा जीतते ही है ग्रैनी से, हारते तो हम लोग है नहीं। हाँ एक्सट्रीम मोड थोड़ा बहुत डिफिकल्ट जाता है, तो मैं एक्सट्रीम मोड पे भी मतलब सीख रहा हूँ अच्छे से खेलने का। बट यार अभी मेरे को पहले देखने दो कि ग्रैनी तो नहीं है यहाँ पर। यार ग्रैनी यहाँ पर आके चली गई मेरे को लगता है, क्योंकि मेरे को अभी उसके फुटस्टेप्स भी नहीं आ रहे यार इस तरफ। तो पार्ट ऑफ शॉटगन यहाँ पर ड्रॉप करके छुप जाते हैं एकदम आराम से, एंड मैं अभी वेट करूँगा यार ग्रैनी के आने का। तो तब तक यार मैं वेट कर रहा हूँ, तुम लोग भी वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो, एंड चैनल पर तो प्लीज चैनल को गाइस सब्सक्राइब जरूर कर देना। तुम लोग को बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस दिखाऊंगा आगे, तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है उस पर। सो प्लीज गाइस, तो अभी वेट करते यहाँ पे ग्रैनी के आने का। तो यार मेरा ऐसे लिख के हो गया बट ग्रैनी तो आई नहीं, मतलब ऐसे बोल के हो गया मेरा यार। गाइस फिर एक बार शोर कर दो क्या? ओके फिर एक बार शोर कर ही दिया। एंड ये देखो ये अब भी आई यार, मतलब ये सुनती कम है ग्रैनी। हाँ मतलब वैसे ग्रैनी की उम्र हो चुकी है तो मतलब ग्रैनी कुछ सुन नहीं पाएगी, तो इसमें मतलब उसकी कोई गलती है नहीं। तो चलो अपनी शॉटगन इसी प्रकार कंप्लीट हो गई है, तो इसको लोड करके चलते हैं। एंड मेरे को स्क्रू ड्राइवर का डिब्बा गिराना है, उसके बाद क्रोको मारना नीचे जाना है। मतलब शॉटगन के तीन तीन यूज़ है, बट यार शॉटगन का जो मेन यूज़ है ग्रैनी को मारना, वो हम लोग कैसे बोल सकते हैं। तो पहले इस डिब्बे को गिराओ एकदम प्यार से, एंड अभी ग्रैनी को मारने की तैयारी है तो इसको रिलोड कर लेता हूँ एक बार फिर से। एंड ये देखो ये आ गई है ग्रैनी, एंड ये ग्रैनी को हेडशॉट तो बैठा नहीं। हाँ मैं भी हेडशॉट, अरे यार ये देखो ये बीच में ही, अरे यार ग्रैनी को तो गाइस बीच में ही सोना पड़ता है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग चलते यार। यहाँ पे देखो ग्रैनी का ट्रैप वैप बिछाया हुआ है ग्रैनी ने, मतलब एकदम मेरे से मतलब स्कैम कर रही थी ग्रैनी। तो इसके क्रो को भी मार दो गाइज। वैसे हम लोग ग्रैनी की एंजेलिन को क्यों नहीं मार सकते यार, मेरे को बहुत बुरा लगता है कि हम लोग उसको मार नहीं सकते। अगर एंजेलिन को मारने का ऑप्शन आता ना गाइज, आई स्वेयर मैं बार बार उसको मारता है। एंड ये देखो होल टू रिमूव, ये ट्रैप अपने रास्ते से वैसे हट गया है। यहाँ पे यार अपने को वेपन की लगेगी पर है नहीं अभी अपने पास वेपन की, अपने पास यार इतनी बड़ी शॉट है। एंड ये देखो ये ग्रैनी जस्ट अभी गायब हुई है, तो यार बोले कि चलते फटाफट से, एंड अभी अपने नीचे वाला भी काम करके आते हैं। अभी एक मिनट तो मेरे हिसाब से पूरा हो ही चुका होगा, तो ग्रैनी भी आती ही होगी, बट उससे पहले हम लोग अपना काम निपटा के साइड में हट जाते। तो चलो जल्दी से चलते नीचे की तरफ। एंड मेरे को ये मतलब घर है ना बहुत ज़्यादा पसंद है ग्रैनी का, मतलब ये जो एटमॉस्फेयर है मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर तुम लोग कोई ये खेलना रहेगा तो मेरे को बताओ तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, तो मैं तुम लोग को इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, या जिसने ये बनाया है उस चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो तुम लोग वहाँ से डाउनलोड करके खेल सकते हो बहुत आसानी से। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे वुडन स्टिक ड्रॉप करके बुलाते हैं ग्रैनी को एकदम आसानी से, एकदम प्यार से शोर करेंगे हम लोग। बट वेट यार, अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ग्रैनी कहाँ पर, तो मेरे को जस्ट अभी चेकआउट करना है सही से कि है कहाँ पर वो बुढ़िया। बट गाइस ये देखो ये रहा अपना स्क्रू ड्राइवर, आया ग्रैनी तो नहीं यहाँ पे, चलो ग्रैनी नहीं ये फुली यहाँ पे। तो चलो स्क्रू ड्राइवर पे लेके चलते, यहाँ पे शोर हो गया तो ग्रैनी आएगी यहाँ पे। ये भी गिराओ क्या? चलो गिरा दिया मैंने यार बातों बातों में ही। तो अभी चलते हैं स्क्रू ड्राइवर से ये जो दो नट्स क्या बोलते इसका यार मेरे को नहीं पता, स्क्रू। तो चलो अपने को यहाँ से रस्टी पैडलॉक की बोलते हैं ना इसको, हाँ रस्टी पैडलॉक की मिल गई है।
तो ये देखो ये आ गई है यहाँ पे अप्सरा, मतलब ग्रैनी हमारी। तो उसने मेरे को शायद से देख लिया है, बट देख लेगी फिर भी कुछ कर नहीं पाएगी ग्रैनी मेरे को, क्योंकि यार वो एक्सट्रीम मोड में तो नहीं है कि इतने जल्दी यहाँ पे आ जाएगी। तो कोई डरने की बात नहीं। तो ग्रैनी के क्रो को तो मैंने पहले ही मार दिया था, इसके लिए हम लोग को यहाँ से रिमोट कंट्रोल मिल गया है। तो यहाँ पे भी श्योर कर दो यार। वेट गाइस, हाँ मेरे को पता है थोड़ा सा फोन हैंग हो यार, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा समझ के लेना मेरे को। तो यहाँ पे ये मोबाइल का टावर, सॉरी रिमोट कंट्रोल बोलते हैं ना इसको, मोबाइल टावर क्यों बोल रहा हूँ मेरे को समझ भी नहीं आया। एंड एक सेकेंड गाइस, पहले यहाँ पे कर दो श्योर एंड बोला अपनी प्यारी सी ग्रैनी को एकदम प्यार। अरे यार, अरे भाई देख लिया इसने मेरे को। तो चलो यार गाइस कोई बात नहीं, हम लोग भी यार चैंप है इस गेम के, तो जल्दी से भगाते हैं ग्रैनी को। बट मैं सोच रहा हूँ कि ग्रैनी को भगाने से अच्छा ग्रैनी को मार दो, बट अभी मेरी इच्छा नहीं है ग्रैनी को मारने की, तो हम लोग नहीं मारेंगे। तो एक सेकेंड यार, मैंने पहले, अरे मैंने ये काम पहले क्यों नहीं किया यार? अभी अपने को स्पाइडर की भी चाहिए थी ना, ये काम मैंने पहले क्यों नहीं किया यार? अभी गाइज यहाँ पे अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अभी अपने को पहले ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये बुक वहाँ पे प्लेस करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद एंजेलिन दादी आएगी, फिर अपने को की देगी, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें। तो अभी यार इसको ग्रैनी को अपने पीछे ही भगाना पड़ेगा। एंड ये एंजेलिन दादी भी कभी की देगी मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। तो ये बुक यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया, एंड ये देखो ये भी मेरे पीछे पीछे ही आ रही है, तो इसको भगाते सिर्फ अभी अपन। गाइज मैं काम करने वाला हूँ, मैं ग्रैनी को है ना अपना डाइनिंग टेबल है ना, मतलब उसका जहाँ पे खाना खाती है वहाँ पे मैं उसको बहुत ज़्यादा ट्रोल करने वाला हूँ। तो अभी तुम लोग देखते जाना बस। एंड ये वाज इसके मुँह पे फेंक के मारो क्या यार? तो चलो यार, ये चेज म्यूजिक तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये चेज म्यूजिक ना गाइज वैसे वो वर्जन 1.7.9.3 का है, जो वर्जन 1.8 से जो पहला वर्जन था ना उसका है। बट उन लोगों ने, मतलब डेवलपर ने जल्दी से उसका अपडेट निकाल लिया। तो अभी हम लोग ग्रैनी को कुछ देर के लिए यही पैसे घुमाने वाले हैं। तो ग्रैनी मेरे साथ जो है रिंगा रिंगा रोजेस खेल रही है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ग्रैनी सब चीज़ों को छोड़कर मेरे साथ खेल रही है। तो आई थिंक अब तक तो अपनी एंजेलिन दादी ने स्पार्टर की दी होगी, तो अभी देखते हैं कि उसने की दी है या नहीं। तो अभी एक काम करते हैं, फटाफट से चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड ये देखो ये भी मेरे पीछे पीछे ही आ रही है, बट इसको आने दो। एंड ये देखो एंजेलिन दादी भी अपनी आ गई, एंड अपने को मिल गई ये फाइनली स्पाइडर की। बट उससे पहले यार ग्रैनी का खात्मा करना तो यार बनता ही है, तो चलते हैं स्पाइडर की लेके पहले वहाँ पे प्लेस कर देते हैं। एंड मैं सोच रहा हूँ कि उसके बाद ग्रैनी को मार दो यार, बट नहीं यार अभी मेरे को मारना नहीं है ग्रैनी को, अभी अपने को अपने काम की तरफ मतलब पूरा ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखो इंजन का पार्ट भी पड़ा हुआ है, तो ये इंजन का पार्ट ऐसे ग्रैनी को मैं फेंक के मार सकता हूँ क्या यार? नेक्स्ट अपडेट में ऐसा आना चाहिए, जो भी चीज़ मैं उठाऊँ वो ग्रैनी को फेंक के मार सकूँ, तो ना मतलब ग्रैनी जल्दी जल्दी मरेगी। तो चलो अभी फटाफट चलते हैं अपने दूसरे काम निपटाने के लिए। तो ये डोर तो यार पहले बंद कर दो। तो ये रही अपनी रस्टी पैडलॉक की, एंड रिमोट कंट्रोल भी है मेरे पास। तो एक काम करता हूँ, ग्रैनी को ना हम लोग ये करते हैं क्या, वो पेपर स्प्रे ना, पेपर स्प्रे उससे हम लोग ग्रैनी की आंखों को अंधा कर सकते हैं। मतलब क्या बोलते हैं, ग्रैनी की आंखें कुछ समय के लिए चली जाएंगी। तो ये रिमोट कंट्रोल यहाँ पे ड्रॉप करके बुलाते हैं फटाफट से ग्रैनी को। एंड ग्रैनी आ भी गई यार, मतलब ग्रैनी की स्पीड देखो तुम लोग एक बार नोटिस। अरे यार ऊपर चलने का है मेरे भाई, तू क्या कर रहा है यार? तो चलो एक काम अच्छा हो गया। तो यहाँ पे अभी ग्रैनी को हम लोग रिमोट मतलब पेपर स्प्रे से नहीं कुछ करने वाले। एक काम करते, यहाँ से साइलेंटली चलते हैं एकदम प्यार से यार ग्रैनी को, मतलब ना खून खराबा ना शोर शराबा, क्या बोल रहा हूँ यार गाइस, ना खून खराबा ना शोर शराबा। तो चलो यहाँ पे तो शोर शराबा हो गया। एंड यार ग्रैनी की स्पीड देखकर तुम लोग, मैं बोल रहा था कि ग्रैनी स्लो है, बट नहीं, ग्रैनी जो है बहुत ज़्यादा फास्ट भाग रही है यार मेरे को सताने का। मतलब ग्रैनी ने ये प्रण ले लिया है, तो इसके लिए वो हमेशा से मेरे को सताते ही रहती है। तो ग्रैनी अभी आई तो नहीं, एंड ये देखो आ गई। मैं भी यार उसने डोर खोला था सिर्फ। तो चलो यहाँ पे फिर एक बार रश्मि पैडलॉक की ड्रॉप करके बुलाते अपनी प्यारी सी ग्रैनी कार्ड, उसके बाद हम लोग चलेंगे ऊपर। बट उससे पहले मेरे को वुडन स्टिक भी लेनी की है। एंड ये आ गई ग्रैनी। यार गाइस ग्रैनी मेरे को देखती नहीं या इग्नोर मारती है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। अगर तुम लोग को कुछ समझ में आ रहा है तो बताया यार मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। एंड नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आने वाली है, तो कीप इट लॉक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना अपने चैनल को। एंड अब तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, वीडियो को लाइक यार जरूर से कर दो। एंड तुम लोग को वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, जिन लोग को ग्रैनी गेम बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड जिन लोग को नहीं पसंद है उनको भी शेयर करो यार, उनको भी पसंद आ ही जाएगा बहुत जल्द। तो यहाँ पे वुडन स्टिक ड्रॉप करके बुलाते अपनी प्यारी सी ग्रैनी को। यहाँ पे यार एक दो, चलो दो बार ठीक ठाक है, तो दो बार मैंने ड्रॉप कर दिया। अभी चलते हैं फटाफट से अपनी मतलब सीवर की तरफ, क्या बोलते हैं सीवर का गेट ही बोलते हैं ना उसको। तो चलो जल्दी से चलते हैं। ये इंजन का पार्ट, तो अभी इंजन पार्ट थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। तो चलो यहाँ पे अपनी सारी आइटम जमा है, तो अभी मेरे को इंजन को भी यार फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वुडन स्टिक ड्रॉप नहीं हुई। अभी यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनके भी नखरे अलग है, तो ये चैन कटर तो चलो प्यार से एकदम ड्रॉप हो गया है नीचे। ये वुडन स्टिक के भी एक नखरे है यार, ये वुडन स्टिक क्यों नहीं ड्रॉप होती मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कुछ। तो चलो इस प्रकार अपनी वुडन स्टिक भी नीचे चली गई। एंड ये रस्टी पैडलॉक की को मैं हाथ में ही रखूंगा,
क्योंकि मेरे को रस्टी पैडलॉक की से बिल्कुल भी चांस नहीं लेना है। तो चलो फटाफट से चलते हैं रस्टी पैडलॉक की, वहाँ पे पहले ड्रॉप कर देते हैं। एंड वैसे ये आजू बाजू का ये डिज़ाइन तुम लोग को ग्रैनी फोर से सिमिलर लग रहा है कि नहीं मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, एंड अगर नहीं लग रहा है तो भी मेरे को बताओ। तो ये वुडन स्टिक है अपनी, अरे वुडन स्टिक ऐसा लीवर का काम करती है ना वहाँ पे। तो चलो अपने चैन कटर भी था ना यहाँ पे, यहाँ चमक तो रहा है। हाँ ये देखो ये रहा अपना चैन कटर। तो चलो फटाफट से चलते अपना चैन कटर लेके। एंड अभी मेरे को एक्जैक्टली पता नहीं कि एंजलिन स्पाइडर कहाँ पे है, तो हम लोग को पहले उसको भी देखना पड़ेगा। एंड ये देखो यार कितनी फास्ट जा रही है ना ये। एंड ये देखो एंजलिन स्पाइडर जो राइट हैंड साइड पर चली गई है, तो हम लोग फटाफट चलते अपने लेफ्ट साइड से या अपना चैन कटर में यही पर ड्रॉप करके चलता हूँ अपना जो बाकी का जो सामान है वो लाने के लिए। अपने को वुडन स्टिक एंड रस्टी पैडलॉक की भी चाहिए, तो रस्टी पैडलॉक की तो यार मैंने पहले ही ड्रॉप करी थी, एंड वुडन स्टिक भी है उसके पीछे ही एक्जैक्टली। तो रस्टी पैडलॉक ये देखो पहले चलते वुडन स्टिक को लेके, और अभी मेरे को पता नहीं है कि एंजलिन स्पाइडर कहाँ पे, तो अभी मेरे को देखना। ओके 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 गाइस, तो एंजलिन स्पाइडर जो वहाँ पे जा रही है, तो ये अपने लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब एडवांटेज की बात है। तो चलो फटाफट से ये वुडन स्टिक मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिए। एंड अभी चलते हैं अपनी रस्टी पैडलॉक की लेने के लिए, एंड हम लोग रेडी है ग्रैनी के हाउस से स्किप करने के लिए। यार मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी यार अपने को, बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ी, बट चलो कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। तो मेहनत तो काफ़ी की हम लोगों ने, तो यार इसी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना गाइस। तो मेरी मेहनत सफल हो गई ऐसे मेरे को लगेगा बहुत अच्छे से। एंड गाइस ये देखो ये मैंने पैडलॉक की से ये जो डोर सॉरी ये लॉक है मैंने ओपन कर दिया। एंड ये रही अपनी वुडन स्टिक, तो मैंने ये लगा कि ये लीवर भी खींच दिया है। तो अभी अपने को चाहिए सिर्फ अपना चैन कटर जो कि यहीं पर पड़ा हुआ है। सो गाइस हम लोग फाइनली प्रिपेयर्ड है ग्रैनी हाउस से एस्केप करने के लिए। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने ग्रैनी हाउस से वर्जन 1.8.1 में ग्रैनी 4 रिबेलियन मोड में सीवर स्किप कर लिया है। तो आई होप कि तुम लोग की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो गाइस। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।